आपकी एक दोस्त लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, आई टेक सेल्फीज वेरी सीरियसली, किसने कहा हो सकता है? सबूर, नहीं मिनाल, या ओ मिनाल, मुझे भूल गया कि कौन सी थी, हाँ, मुझे नहीं याद। मैं दिखा देती हूँ आपको हाँ अभी अगर आप मुझे ये दिखाएं वाली तो। पिक्चर पे मिनाल ने, अच्छा ये इनकी ही, इनकी अपनी तस्वीरों का। ओके हाँ ओके हाँ हाँ इन्होंने अपनी तस्वीर पे कैप्शन डाला हुआ है हाँ कि आई टेक सेल्फीज वेरी सीरियसली, तो मैंने ऐसे ही उठाए हुए हाँ और वो मैं आपको कैप्शन बताऊंगी, आपने गेस करना होगा कि ये ठीक है। किसने बोला हो सकता है। तो आप मुझे इस पे मिनाल का कोई किस्सा सुना दें। अच्छा शुरू में तो मैं एमन से मिली थी, एमन से दोस्ती थी, मिनाल से ऐसे ही होती थी, हाय हेलो क्या हाल चाल। हाँ एक चीज़ हुई थी कि एमन और मिनाल, मिनाल दोनों में से मैं इनको सेट पे मिली थी कहीं पे, दोस्ती नहीं थी, काम भी शुरू नहीं किया था। तो एक जगह मैं और इर्सा आपा कहीं से निकल रहे थे, तो मैं उनको सी ऑफ कर रही थी, तो मैं गले लग के उनके ना खड़ी हुई थी इस तरह। तो वहाँ पे मिनाल आई तो मुझे लगा कि ये एमन है, मैं एमन से मिली, वो मिनाल से मिली, और मैंने उसको कहा कि नहीं, एमन के साथ शूट कर रही थी मैं उन दिनों में, मिनाल से मिली, गले मिली, मैंने कहा हाँ किधर, और मैंने कहा हाँ चलो मिलते हैं हम लोग, परसों जा रहे हैं ना वहाँ पे फिल्म देखने के लिए, अच्छा अच्छा चलो ठीक है ओके। वो कह रही हाँ हाँ ओके डन। एमन से मिली, एमन को मैंने बोला नहीं बल्कि हाँ मैं मुनीक के साथ काम कर रही थी, तो मुनीक से मिनाल से इंट्रैक्शन होता रहता था। तो फिर ना मुनीब आया और हम लोग सब ना, हमारी दलदल की शूट थी तो हम सब टीम ना फिल्म देखने के लिए गए थे, तो वहाँ पे एमन आई, तो मैंने कहा यार हम परसों मिले थे ना वहाँ पे, तो कह रही नहीं। मैंने अब मैं चुप हो गई, मैंने कहा यार कि ये मुकर ही सबके सामने मैं कह रही हूँ कि मैं हम मिले थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसको देखा, सोचा, फिर मैंने मैसेज किया, मैंने ना तबरेज को मैसेज किया, मैंने कहा वो जो हम मिले थे उधर वो एमन थी ना? तो वो कह रहे नहीं नहीं वो मिनाल थी। मैंने कहा मिनाल थी? मैंने कहा ओके, मैंने कहा वो मैं मिनाल से मिली थी, मैंने कहा, और उसको कहा कि वो कहती हाँ हाँ ठीक है, कहती हाँ हम लोग ऐसे कर देते हैं, लोग पहचानते नहीं है ना तो हम लोग ये चीजें कर देते हैं। एंड आई वाज लाइक कि यार क्या है। बता देती हाँ पहले। और फिर उसके बाद एमन के साथ ड्रामा किया, तो एमन से दोस्ती हुई, फिर उसके बाद जब एमन थोड़ी बिजी हो गई अपनी पर्सनल लाइफ में, तो मिनाल ने और मैंने साथ काफ़ी ट्रिप्स किए, जैसे काम के लिए हम लोग ट्रैवल करते थे, तो उसमें हम दोनों की ज़्यादा दोस्ती हो गई, ज्यादा तो अब दोस्ती हो हमारी ज़्यादा दोस्ती है। तो कभी कभी हम एमन को छेड़ते हुए इस बात पे कि देखो हमारी ज़्यादा दोस्ती है। तो यही था। हाँ सेकेंड कैप्शन है, इज इट जस्ट मी हु थिंक्स अबाउट बिरयानी इन द मिड ऑफ वेडिंग और यू गाइज थिंक दैट टू? ये किसने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर के नीचे लिखा होगा? सबूर, कैसे इतनी जल्दी कैसे गेस कर लिया आपने? सबूर को बिरयानी अच्छी लगती है। हाँ हाँ दैट्स अ फेवरेट फूड, हाँ तो काफी बहुत आप लोग ज़्यादा खाने वाने जाते थे। खाना तो हम लोग सुबह शाम इसी तरह ही साथ ही होते हैं, सामने आमने सामने रहते अच्छा यू गाइस लिव इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, हाँ फिर तो बहुत तो मजा आता होगा इतना सामने कि हम लोग गप्पे। एक दूसरे, हमारे कमरे भी सामने, इधर वाली साइड पे मेरा, उधर वाली साइड पे उसका, तो कभी कभी हेलो हाय कर देते तो ओके अच्छा ये तस्वीर किसने पोस्ट की होगी? सबूर का कोई वो किस्सा नहीं हाँ सुनाना? बिल्कुल सुनाई, मैंने कहा आप सुना नहीं रही थी, मैं चली गई, मैंने कहा मैं क्या पूछ कर, प्लीज सुनाई। दिस सबूर का ये है कि ना मेरा ये है कि जब मैंने शूट के लिए उठना होता है तो मैं पूरा टाइम पे उठती हूँ, मुझे पता है कि मैंने 15 मिनट की मेरी ड्रिल है कि फेस वॉश करना, कपड़े को करने हैं, या फिर जल्दी से 5 मिनट वाला शावर लेना है, कपड़े पहनने और नीचे पहुँच जाना है। तो वो सुबह 7-8 बजे उठ जाती है और वो उठते साथ कॉल कर देगी आपको जब उसका दिल चाहेगा। तो ये पहली दफ़ा हुआ तो मैंने उठा लिया, शायद कोई मुश्किल में या कोई बात होगी, मैंने उठाया, हाँ क्या कर रही हो, चलो आओ नाश्ता करने जाते हैं। मैंने टाइम देखा 7 बज रहे हैं, कहते दिमाग ठीक है 7 बजे कौन जाता है? तो ना अच्छा नहीं नहीं चलो चलो मैं लेने आ रही हूँ, तो मैं भी उठ गई, मैंने कहा चलो चले जाते हैं। फिर एक दिन मैं सो रही, फिर दोबारा कॉल आई, मैंने फिर उठा ली, 8 बज रहे थे, क्या कर रही हो अभी तक सो रही हो? मैंने कहा हाँ तो मेरा शूट 12 बजे है तो मैं आराम से उठूंगी, तो तुमने कॉल क्यों की, क्या सब ठीक है? हाँ ऐसे ही कॉल कर दी। मैंने कहा क्या ऐसे ही कॉल कर दी? अब ये कोई मेरे साथ 4-5 दफा हुआ, उसके बाद मैंने उसका नंबर अब रोजाना रात ब्लॉक करके जाती हूँ, ब्लॉक करके सोती हूँ कि ये बंदी सुबह उठ के मुझे कॉल कर सकती है। और एक दिन क्या हुआ कि मैंने नंबर बंद किया हुआ था, नहीं रात में मुझे हुआ कि यार मैं बहुत थकी हुई हूँ और मेरी छुट्टी पहली आई है तो मुझे कोई कॉल ना कर दे, ऐसे ही दिमाग में उसका नहीं था, मैंने फोन ही ऑफ कर दिया। तो वो क्योंकि आप ब्लॉक कर भी दो नंबर तो वो व्हाट्सएप पे कॉल आ जाती है, तो मैंने नंबर वो फोन बंद कर दिया अपना। मैं उठी आराम से 1 बजे, फोन खोला,
तो ना मैसेज आया, मैं तुम्हें कॉल करी थी, तुमने फोन नहीं उठाया, मेरा फोन बंद था, ये वो, इस तरह का. तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने इतना कॉल करके उसको वो चढ़ाया. मैंने कहा ये एक चीज, मैंने कहा बंद कर दिया था. अच्छा क्या, मुझे पता था तू कॉल करेगी सुबह सुबह. और फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं रात में उसका नंबर ब्लॉक करना भूल गई और उसने मुझे सुबह 8 बजे कॉल की. मैंने नींद में देखी, नींद तो खराब हो गई, मेरी नींद खराब हो जाए मैं दोबारा सो नहीं सकती. लेकिन मैंने उठाई नहीं कॉल. अच्छा। उससे मैं नहीं उठाई, मैं इंस्टाग्राम पे गई. अब सुबह उठ के इंस्टाग्राम देखना था तो उस पर मैसेज आया, मुझे पता था तू उठ गई ये और साथ आ रहे नीचे ना मुझे चढ़ाने वाले सारे. और उसके बाद वो जो कॉन्वर्जेशन हम दोनों की, और हम दोनों की कॉन्वर्जेशन भी ऐसी होती है कि मुझे बोल रही है एक दिन, सुनो अगर मैं मर गई तो मैं तुम लोगों को याद आऊंगी. मैंने कहा नहीं तू नहीं मरेगी इतनी जल्दी, 60 तक तो जाएगी, तो इतनी जल्दी नहीं मरोगी तुम. तो ना फिर मुझे कहती नहीं अगर मैं मर गई तो. मैंने कहा तो फिर हम आएंगे कब्र पे. मैंने कहा हम लोग कब्र पे आएंगे. और फिर मुझे कह रही है फिर बीच में स्किप करते हैं हम, कहती है ना, और ना फिर मैं कब्र से हाथ निकाल के तुम्हारे पाँव पकड़ लूंगी. और मैंने कहा मैं तेरे पाँव पे जोर जोर का मार के भाग जाऊंगी. हमारी कॉन्वर्सेशन, यू गाइस आर ट्रू फ्रेंड्स, हम लोग तो वाकई बेस्ट फ्रेंड्स हैं. और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने रियलाइज किया कि मैसेजेस पे बातें कर रहे हैं. और ये मैंने कावर को भी सेंड किए थे स्क्रीनशॉट्स कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या हो गया हमें. अब एक और हमारे सेगमेंट होता है जिसमें यू प्रिटेंड इफ यू वेक अप एज, जब आप उठी हैं सुबह तो आप किंजा नहीं है, ठीक है, आप इमरान अशरफ हैं. सो व्हाट विल यू डू? मैं तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू एज इमरान अशरफ, या पहली चीज आप क्या करेंगी नोइंग इमरान अशरफ, या क्या कुछ भी आंसर दे सकती हैं इसका? मैं आई थिंक ज्यादा इंटरव्यूज दूंगी अगर मैं इमरान अशरफ होंगी. गुड आइडिया इमरान. हाँ, क्योंकि इतनी अच्छी बातें करता है, इतनी अच्छी बातें करता है, और ना उसकी टाइमिंग्स इतनी अच्छी हैं कि ना मुझे अच्छे लगते हैं उसके इंटरव्यूज. बहुत डीप बातें. और सबसे अच्छी बात ये कि वो अपने फैंस को जितना अप्रिशिएट करता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे. दैट्स ट्रू. इफ यू वेक अप एज इकरा अजीज, फिर मैं ये करूँगी कि मैं यासिर से बोलूँगी कि यासिर कुछ मत लिखना इंस्टाग्राम पे. ओके. अच्छा, इफ यू वेक अप एज आतिफ असलम, मैं नया गाना रिकॉर्ड करूँगी. और फिर मैं लाइव सेशन करूँगी, उसमें मैं गाऊँगी, गाती रहूँगी पूरा दिन. दैट्स नाइस. एंड इफ यू वेक अप एज शेख रशीद, तो मैं पेट भर के नाश्ता करूँगी, वो जो हलवा पूरी और इस तरह के नाश्ते हैं वो जाके करूँगी और खूब खाऊंगी, पूरा दिन खाती रहूँगी. ओके. इफ यू वेक अप एज एमन, एज एमन तो वो छोटू है ना, उसको मैं ढेर सारी लाडियां करूंगी, प्यार करूंगी, इरिटेट करूंगी, बस ये चीज होगी. ओके, मुझे बताएं इंडस्ट्री में कंपटीशन है क्या? इतने साल काम करने के बावजूद और माशाल्लाह से इतने ड्रामे लेने करने के बावजूद भी आपको फील होता है कि अच्छी स्क्रिप्ट आना थोड़ा सा स्ट्रगल है, और ये कि सर्वाइवल जो है उसको या अपनी इस पोजिशन को मेनटेन करना एक चैलेंज होता है? ये चैलेंज तो है और स्ट्रगल तो हर जगह है. Okay. आप कहीं पे भी काम करेंगे स्ट्रगल तो है. और रही बात स्क्रिप्ट्स की, तो कंपटीशन बेसिकली, कंपटीशन मुझे लगता है कि अगर आप समझें तो है, नहीं समझें तो नहीं है, हर किसी की अपनी जगह है. अब मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो मैं नॉर्मल स्क्रिप्ट को भी उठा दूंगी. कोई किसी को अच्छी स्क्रिप्ट मिली है और उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो वो अच्छी स्क्रिप्ट को भी गिरा देगा. तो मुझे लगता है कि अपने टैलेंट पे बिलीव करें और ये कंपटीशन से निकल जाएं. ओके. क्योंकि जो काम आपको मिल रहा है आप वो अच्छे से करें. आने वाले डेज में जब नए लोग आएंगे, वो लोग देखेंगे तो वो इंस्पायर हों आपके काम से. उनको नहीं पता होगा कि आपका कंपटीशन चल रहा था यहाँ पे. ओके. आप लोग सब माशाल्लाह से जो, क्योंकि ये हमारी ऑफ कैमरा भी कॉन्वर्सेशन हुई थी, मुझे लगा था कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है. आप लोग सब फ्रेंड्स हैं जिन सबके हम अभी नाम ले रहे थे, मोर लेस यू नो, एक एज ग्रुप के जो लोग हैं. तो जब स्क्रिप्ट्स आते हैं कभी प्रेशर फील होता है या कभी दिल में होता है कि अच्छा यार ये तो उसको ऑफर हो गया, फ्रेंड को या किसी जानने वाले को या एक्साइजी को इंडस्ट्री में, ये मेरे पास क्यों नहीं आया, ये प्रेशर फील होता है या दिल में दुख होता है, गुजरती है किंजा इस अच्छा मुझे किसी भी फीलिंग से? मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरी सबसे दोस्ती है अजीका से, सबूर से, एमन से, मिनाल से, फिर इसी तरह और भी काफी नाम है, कोमल अजीज, काफी इस तरह के नए नाम हैं जिन सबसे मेरी दोस्ती है. और अब आके ये हो गया है कि हमें स्क्रिप्ट, जो भी स्क्रिप्ट ऑफर होती है, हम लोग एक दूसरे को कॉल करके बताते हैं.
जैसे अगर किसी ने कहा कि हाँ ये स्क्रिप्ट आपको भी गया और ये किसी और को भी हमने किया है, या किसी से पता चल जाता है कि हाँ ये आपसे पहले किंजा को गया था yeah. तो उन्होंने नहीं किया तो अब आपको हम भेज रहे हैं, तो फिर वो कॉल आती है कि तुमने क्यों नहीं किया yeah. क्या मसला हुआ yeah. अच्छा ठीक है, इस चीज़ के ऊपर बात होती है. और ये अब ना मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ हो गई है.